This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purposes only. Hello everyone, welcome back to Gateway Solutions. कैसे हैं आप लोग? Friends, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि आप Windows 10, Windows 11 में किसी भी एप्लीकेशन को किस तरह से अनइंस्टॉल कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं. For example, आप एक सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं बट अब आपको उस सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट नहीं है और उसकी वजह से आपके पीसी में बर्डन पड़ रहा है, लोड पड़ रहा है, तो आप उस सॉफ्टवेयर को किस तरह से अनइंस्टॉल करेंगे, रिमूव करेंगे. ओके, तो आपने पूरा वीडियो देखना है, कहीं से भी किसी स्टेप को मिस नहीं करना है. ओके, और एंड में अगर आपको वीडियो बढ़िया लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और जो व्यूअर फर्स्ट टाइम चैनल देख रहे हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें. तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं. तो यहाँ पर आप लोग स्टार्ट बटन पर विंडोज 10 या 11 आप कोई भी यूज कर रहे हैं तो आप स्टार्ट बटन पर राइट क्लिक कीजिए और इसके अंदर आपने चूज करना है सेटिंग्स. ओके, तो हमने स्टार्ट बटन पर राइट क्लिक करना है, उसके बाद सेटिंग्स पर क्लिक कर लेना, फिर आपकी सेटिंग्स ओपन हो जाएंगी. तो मैं इसे बड़ा कर लेता हूं. यहां पर आपको एक ऑप्शन शो होगा एप्स, आपने इस पर क्लिक कर लेना. 11 में भी सेम ही होता है, मैं विंडोज 10 यूज कर रहा हूं. ओके, तो आपको यहां पर आपके कंप्यूटर के अंदर, लैपटॉप के अंदर जितने भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है वो सब शो हो जाएंगे. ओके, तो ये देखिए मेरे मशीन के अंदर, मेरे लैपटॉप के अंदर ये सारे सॉफ्टवेयर्स, इनमें से जिस सॉफ्टवेयर को भी आप लोग अनइंस्टॉल, रिमूव करना चाहते हैं, आपने उस सॉफ्टवेयर पर क्लिक करना. आपके पास दो ऑप्शन शो होंगे, मॉडिफाई और अनइंस्टॉल. तो उसके बाद हम लोग क्लिक करेंगे अनइंस्टॉल बटन पर. आपने एक बार फिर से अनइंस्टॉल बटन पर क्लिक कर देना और आपका सॉफ्टवेयर आपकी विंडोज के अंदर से अनइंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा. तो अगर आपको इस तरह का मैसेज शो होता है तो आप लोगों ने जो एप्लीकेशन का नाम यहां पर शो होगा, देखिए ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड शो हो रहा है तो मैं इसे क्लोज कर देता हूं. ठीक, अब हम लोग रीट्राई पर फिर से क्लिक करेंगे और अगर रीट्राई करने के बाद भी आपको सेम मैसेज शो होता है तो आप इग्नोर पर क्लिक कर देना, तो भी आपका सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन, प्रोग्राम अनइंस्टॉल, रिमूव हो जाएगा. ओके, तो हम लोग यहां पर वेट करते हैं. फिर आपको जब यूजर अकाउंट कंट्रोल विंडो शो होगी, यहां पर यस और नो दो बटन होंगे, आपने यस पर क्लिक कर देना. ओके, तो हमें नेक्स्ट स्क्रीन शो हो रही है कि आप लोग फॉक्सिट एडिटर की जो सेटिंग्स हैं, हिस्ट्री है, उसे भी रिमूव करना चाहते हैं तो आप लोग यहां पर भी यस पर क्लिक कर दीजिए. फॉक्सिट पीडीएफ एडिटर रिमूव हो चुका है. अब एक बार फिर से हम लोग सेटिंग्स में जाके चेक कर लेते हैं. ठीक है, देखिए यहां पर ये शो हो रहा है. ओके, तो हमने स्क्रीन को रिफ्रेश किया और आप देख सकते हैं फॉक्सिट एडिटर हमारा यहां से रिमूव हो चुका है. और अगर हम यहां पर फॉक्सिट टाइप करते हैं रन करने के लिए तो भी आपको यहां पर शो नहीं होगी एप्लीकेशन. ओके, तो इस तरह से फ्रेंड्स हम किसी भी एप्लीकेशन को रिमूव कर सकते हैं, अनइंस्टॉल कर सकते हैं. तो कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताएं और अगर आपको वीडियो बढ़िया लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और जो व्यूअर फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल का नोटिफिकेशन आइकन भी दबाएं. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय. जय हिंद. वंदे मातरम.